नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सहारनपुर आज रविवार को उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा नवरात्रि के दिनों में 7 दिवसीय नारी शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंब को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई मुहिम मिशन शक्ति बालिका सुरक्षा के अंतर्गत जनमंच सभागृह में इस प्रोग्राम का समापन किया गया, जिसमें बालिकाओं, महिलाओं व सामाजिक संगठन से जुड़ी समाज सेवी महिलाओं को सम्मान पत्र देकर उनका सम्मान किया गया। मिशन शक्ति के समापन पर जिला सहारनपुर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें डॉक्टर सुनीता सोनकर, लेक्चरार, डीपीओ प्रोबेशन अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह, पुलिस विभाग महिला सार्थक प्रकोष्ठ कल्पना त्यागी, विजय आनंद डीपीओ ऑफिस, राम कमाल डीपीओ ऑफिस, रूपा हरित डीपीओ ऑफिस, नेहा डीपीओ ऑफिस, एस डीपीओ श्रीमती सोनकर, साइस्ता राव, डॉक्टर पल्लवी पांडे, बाल गृह दीपा, एसडीएम सदर नगर आयुक्त, एडीएम सहारनपुर, एसके ट्रैफिक पुलिस सिटी मजिस्ट्रेट सहारनपुर, सीओ सेकंड सहारनपुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहारनपुर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चनप्पा, बालिका सेल्फ डिफेंस मुख्य प्रशिक्षक, विश्व प्रसिद्ध विंग चुंग कुंग फू ग्रैंड मास्टर राजेश आर्या, प्रशिक्षक निशांत गुप्ता, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी प्रोग्राम में उपस्थित रहे। ब्यूरो चीफ हैदर अंसारी की रिपोर्ट। आज मिशन शक्ति के अंतर्गत जो 7 दिन का जो प्रोग्राम चल रहा था, तो आज इसका जो 7 दिन के जो प्रोग्राम है, इसका इसमें सभी विभागों द्वारा जितने भी जो अपना योगदान दिए हैं उनका सम्मान किया गया है, और जितने भी जो प्रतिष्ठित महिलाएं हैं सम्मानित, उनको जो जिस फील्ड में उन्होंने अचीव किया है उनको सम्मानित किया गया है। और इस प्रोग्राम के दौरान 2 शपथ पढ़ाए गए हैं, एक माता पिता के लिए और पुरुषों के लिए, कि इसमें उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह के बारे में। ये लगातार 6 महीने तक चलेगी और इसमें विभिन्न प्रकार का प्रोग्राम होगा, और ये नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के आधारित सभी प्रोग्राम।